हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरिका और शहीर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि शहीर शेख ने अपनी गर्लफ्रेंड की अनाउंसमेंट कर दी है। ऋषिका कपूर उनकी गर्लफ्रेंड है। सो वहीं एरिका को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि एरिका ने अभी तक ना ही उनको कोई कंग्रेचुलेशंस दिया है और ना ही उनकी तरफ से कोई खबर निकल कर आई है। ना ही उन्होंने कुछ बोला है इस बात को लेकर, या फिर तो ऐसे में लोगों के सवाल उठना तो जायज़ बात है। उनके फैंस भी जानना चाहते हैं आखिर एरिका इस बात पर क्या बोलती हैं। वैसे आपको बता दें तो एरिका को कोई शौक लगा नहीं होगा इस वजह से, क्योंकि वो जानती थी कहीं ना कहीं रुचिका को शहीर शेख डेट कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जहाँ पर शहीर शेख और रुचिका कपूर एक साथ पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, तो वहीं आपको एरिका फर्नांडिस भी देखने को मिल जाएंगी। इससे ये साफ साबित होता है कि एरिका की नज़र में ये बात पहले से ही थी, वो ये बात जानती थी। लेकिन जब जैसे कि शहीर ने अनाउंसमेंट नहीं की थी, तो ऐसे ही एरिका ने भी कुछ नहीं बोला इस बात पर। सो उनके लिए कुछ अलग और शॉकिंग न्यूज़ नहीं है ये, वो इससे पहले ही जानती थी। सो हो सकता है वो पहले से ही कंग्रेचुलेशन दे चुकी हूँ। लेकिन अगर बात करें शहीर शेख और एरिका फर्नांडिस की जोड़ी की, तो फैंस इन दोनों की जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और रिया शर्मा और शहीर शेख की जोड़ी को भी बहुत पसंद करते हैं। तो वहीं कुछ फैंस के दिल भी टूटे हैं इन जोड़ी के टूटने की वजह से। तो कहीं कुछ लोग बहुत खुश हुए हैं क्योंकि शहीर अपना नया घर बसाने वाले हैं। तो ऐसे में हमें तो यही चाहिए कि हम उनको गुड विशेस दें, ना कि उनकी जोड़ी टूटने या जोड़ी बनने पर कोई दुख जताएं। जैसे कि एरिका भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी इन दोनों की जोड़ी पर, और जाहिर सी बात है रिया शर्मा भी उनको कांग्रेचुलेशन ज़रूर बोल चुकी होंगी। तो ऐसे में बनता है कि उनके फैंस भी कांग्रेचुलेशन बोलें। सो क्या बोलेंगे आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।